आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या इन दिनों चर्चा में है और इसके बाद अब एक चिट्ठी है जिसके बारे में राजनीतिक गलियारों में बंद लफ्जों में बातें हो रही है। जी हां, नमस्कार, मैं मयूरी श्रीवास्तव स्वागत करती हूं आपका खास शो खबर दोपहर में। माफिया ब्रदर्स की हत्या को उनके वकील ने राजनीतिक हत्या करार दिया है। अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा ने दावा किया है कि ये राजनीतिक मर्डर है। बंद लिफाफे में मरवाने वाले का नाम लिखा है अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की शनिवार को प्रयागराज में पुलिस हिरासत में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अतीक अहमद के वकील ने कहा था कि जब मैं बरेली जेल में अशरफ से मिला था तब उनसे कहा था कि मेरी हत्या कर दी जाएगी और एक बंद लिफाफे में उसका नाम लिख जाऊंगा। बंद लिफाफे में नाम वाली चिट्ठी चीफ जस्टिस तक पहुंचा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अतीक अहमद की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन से 10 दिन पहले संपर्क हुआ था तो उन्होंने कहा था कि वो सरेंडर करना चाहती है। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस हिरासत में हत्या और सुरक्षा में लापरवाही के मामले को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वहीं अतीक और अशरफ के वकील ने कहा कि ये लिफाफे कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों और मुख्यमंत्री के नाम थे जो सभी को भेज दिए गए हैं। हफ्ते के अंदर तुम्हें फिर से जेल से किसी बहाने से निकालेंगे। हाँ। और निपटा देंगे। हाँ। ये किसने दी है? किसने? एक बड़े अफसर ने दिए, मैं उनका नाम नहीं ले सकता। ये साजिश है। हाँ। ये साजिश है मेरे परिवार को फंसाने की और उत्तर प्रदेश की सरकार को बदनाम करने की। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर भी फर्जी मुकदमे लग चुके हैं। वो अच्छी तरह मेरी पीड़ा को समझते हैं। हाँ। वो अच्छी तरह मेरी पीड़ा को समझते हैं, उनके ऊपर भी फर्जी मुकदमे लग चुके हैं। दो हफ्ते के अंदर तुम्हें फिर से जेल से किसी बहाने से निकालेंगे। हाँ। और निपटा देंगे। हाँ। ये किसने दी है? किसने? एक बड़े अफसर ने दिए, मैं उनका नाम नहीं ले सकता। दो हफ्ते के अंदर तुम्हें फिर से जेल से किसी बहाने से निकालेंगे। हाँ। और निपटा देंगे। हाँ। ये किसने दी है? किसने? एक बड़े अफसर ने दिए, मैं उनका नाम नहीं ले सकता। तो ये आप अशरफ को साफ तौर पर सुन रहे थे। ये बातें उसने मीडिया के सामने कही थी जब अशरफ को बरेली जेल से प्रयागराज लाया जा रहा था। उसने कहा कि मुझे धमकी दी जा रही है और कहा जा रहा है कि दूसरी बार तुम्हें जेल से निकाला जाएगा और मार दिया जाएगा। बता दें कि इस चिट्ठी को लेकर अब लगातार राजनीति भी गर्माती हुई नजर आ रही है। सबसे बड़ा जो विषय बनी हुई है वो लिफाफा है, वो चिट्ठी है जिसपे तमाम राज छिपे हुए हैं। बता दें कि बंद लिफाफे में मरवाने वाले का नाम लिखा है अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की शनिवार को प्रयागराज में पुलिस हिरासत में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अतीक अहमद के वकील ने कहा कि जब मैं बरेली जेल में अशरफ से मिला था तब उसने कहा था कि मेरी हत्या कर दी जाएगी और एक बंद लिफाफे में उसका नाम लिख जाऊंगा। बंद लिफाफे में नाम वाली चिट्ठी चीफ जस्टिस तक पहुंचा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अतीक अहमद की फरार चल रही पत्नी शाइस्ता परवीन से 10 दिन पहले संपर्क हुआ था तो उसने कहा था कि वो सरेंडर करना चाहती है। साथ उन्होंने कहा कि पुलिस हिरासत में हत्या और सुरक्षा में लापरवाही के मामले को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वहीं अतीक और अशरफ के वकील ने कहा कि ये लिफाफे कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों और मुख्यमंत्री के नाम थे जो सभी को भेज दिए गए हैं। वहीं अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर क्या है बंद लिफाफे में, क्या कुछ सामने आ सकता है। बता दें कि इस चिट्ठी का जिक्र अशरफ ने खुद किया है। बता दें कि अगर ये वही चिट्ठी है जिसका अशरफ ने जिक्र किया है तो मुमकिन सी बात है कि तमाम ऐसे तार हैं जो सामने आ सकते हैं, तमाम ऐसे राज हैं जो सामने आ सकते हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। भाजपा से हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं, वहीं सपा प्रवक्ता रविंद्र प्रताप सिंह अपना पक्ष रखने के लिए हमसे जुड़े हुए हैं और आम आदमी पार्टी से इमरान लतीफ हमसे जुड़े हुए हैं। पैनलिस्ट का और वरिष्ठ पत्रकार अमित हमारे साथ जुड़े हुए
माफ कीजिएगा आमिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बता दें कि आप प्रवक्ता इमरान लतीफ हमसे कुछ ही देर में जुड़ेंगे। तो चर्चा की शुरुआत मैं विवेक श्रीवास्तव से करूंगी। विवेक जी, अशरफ की चिट्ठी चर्चा का विषय बनी हुई है, क्या कहेंगे इसको लेकर? क्या कुछ खुलासा हो सकता है? कौन बेनकाब हो सकता है? पहले करते हैं अपने आप को पुलिस। अब उस चिट्ठी में उसने किसका नाम लिखा किसका नहीं लिखा, कोई जोशी तो था नहीं। तो जो तरह की दुर्घटना की उसे कल्पना रही है, जो घटना थी वो घट गई और उसके आगे पुलिस अपना काम कर रही है। इस पूरी घटना के पीछे कौन लोग शामिल हैं, कौन लोगों ने इन शूटरों को मदद किया, इसके द्वारा ये प्रायोजित है, तो सारी चीजें जांच के दौरान स्पष्ट हो जाएंगी। अब उस पत्र का कोई औचित्य नहीं है। उस पत्र में उसने उस समय से अपने जिन लोगों का जिक्र किया होगा, अब वो लोग इस विषय में अस्तित्व में नहीं। जी ठीक है, मैं रविंद्र जी के पास चलूंगी। रविंद्र जी, आपकी पार्टी पहले ही असद के एनकाउंटर, अतीक और अशरफ की हत्या को लेकर तमाम सवाल खड़े कर रही थी, जांच की मांग कर रही थी। अब जो चर्चा का विषय बनी है वो एक चिट्ठी है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या कुछ खुलासे हो सकते हैं? देखिए मैम, जो चिट्ठी है उसके बारे में कुछ भी स्पेकुलेट करना ठीक नहीं है जी। पता नहीं क्या चिट्ठी में लिखा हो। और टेक्निकली मैं आपको बता दूं क्या होता है जी, कि किसी ने कह दिया कि उसको लिफाफा खाली मिला, लिफाफे में खाली पेपर पड़ा हुआ था जी। ऐसा स्पेकुलेशन करने से कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके कानूनी बहुत सारे एंगल। दो महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आप कर रहे हैं कि हम लोग मांग कर रहे थे जी। वो मांग नेचुरल है, वो NHRC की गाइडलाइन के और सुप्रीम कोर्ट के 2014 के एक डायरेक्शन अंतर्गत है जी। तो एक गाइडलाइन NHRC की मैं पढ़ देता हूँ कि न्यायाधीश ने कहा था कि हमारे कानून में पुलिस को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी व्यक्ति को मार दे, और जब तक यह साबित नहीं हो जाता है उन्होंने कानून के अंतर्गत किसी को मारा है तब तक मानी जाएगी। तो जो गाइडलाइंस हैं दो, एक NHRC की और सुप्रीम कोर्ट की, तो उसके तहत जांच होनी चाहिए। जांच हो रही होगी, ऐसा नहीं है, सारे अधिकारी जानते हैं इस बात को। लेकिन ये निंदनीय है कि NHRC का जो रिकॉर्ड है हमारा वो बहुत खराब है। पूरे भारतवर्ष में हम नंबर एक पे हैं कस्टोडियल डेथ में, एक डेथ और जुड़ गई। तो बचना चाहिए उत्तर प्रदेश पुलिस को इस तरीके से काम करने से, बदनामी होती है। तो अगर उत्तर प्रदेश की बदनामी होती है, सपा उत्तर प्रदेश नहीं है। हम बंबई जाते हैं तो लोग बता देते हैं कि भाई आपके यहाँ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, वो ये थोड़ी पूछते हैं कि आप सपा के हैं या भाजपा के हैं। पुलिस को बचना चाहिए ऐसी घटनाओं से। अब तो इसलिए ज्यादा उसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि दो जांचें चल रही हैं, एक NHRC के गाइडलाइन के अनुसार, एक माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार। सर, बात चिट्ठी की हो रही है। अशरफ ने मीडिया से साफ तौर पर कहा था कि मुझे धमकी दी जा रही है, और ये भी कहा था कि दोबारा जेल से निकाला जाएगा और जान से मार दी जाएगी। तो उन्होंने मीडिया पर ये साफ तौर पर कहा है, तो कहीं ना कहीं तो ऐसा होगा। अब देखिये, उनको डर तो था ही, क्योंकि जब पहली बार अतीक लाया जा रहा था वहां से साबरमती से जी, पैन में बैठने से पहले उसने ये बात कही थी। फिर जब पर लाया गया, जब वो कोर्ट रूम से निकला था, फिर उसने यही बात कही थी। ये अपराधी था तो अपराधी को ये शंका तो रहती है। तो सर, बात अगर चिट्ठी की करें तो क्या लगता है, क्या कुछ सामने आ सकता है? क्या कोई सफेद पोश भी इसके पीछे है? क्या कुछ खुलासा हो सकता है? देखिए, हत्या का कारण जो मैं मान रहा हूँ, 3 दिन लोग का इंट्रोगेशन हुआ धूमनगंज थाने में,
सकौल की 14 नाम बताए इन लोगों ने, वो 14 नाम 161 बयान के अंतर्गत बताए जाते, उस 161 में पुलिस किसी 14 का नाम लिख सकती है। ऐसा लगता है कि उसने कुछ बड़े नाम बता दिए और पुलिस महकमा और शासन पूरी तरीके से उनको निपटाने के लिए तैयार हो गया। नहीं तो शासन को भी मालूम है कि जो घटना घटित हुई है उनसे बदनामी होती है, लेकिन यह करना जरूरी हो गया था। तो उससे मैं एग्री करता हूँ, ये पॉलिटिकल मर्डर है और प्रोसीडिंग्स में नहीं बोलूंगा, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि जब किसी चीज की जांच चल रही हो जी, तो जांच में आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते, चाहे बयानों में जा रहा चाहे कुछ सबूत हो तो आप ले जाके दे सकते हैं, बस इतना ही कर सकते हैं जी। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी आमिर जी जुड़े हुए हैं। आमिर जी, मैं आपके पास आऊंगी। प्रयागराज में बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, अतीक और अशरफ को मौत के घाट उतार दिया गया, वहीं अब जो चर्चा का विषय बनी हुई है एक चिट्ठी है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, चिट्ठी चर्चा का विषय बनी हुई है एक अलग बात है, लेकिन अब चिट्ठी का मतलब क्या रह गया? पहला सवाल तो हमारा ये है कि चिट्ठी का मतलब क्या है? पूरे देश ने नहीं, मेरे ख्याल से पूरे विश्व ने अपनी नंगी आंखों से देखा है कि किस तरीके से उसको सरकारी आतंक के तहत ढेर कर दिया गया। सर, कहा जा रहा है पूरे हत्याकांड को रचने वाले का उसमें नाम है, जो अब चिट्ठी भेज भी दी गई है। नहीं, वो देखिए, इस चिट्ठी का कोई मतलब नहीं है, वो किसने रचा है किसने नहीं रचा है ये बात की बात है, लेकिन एक बात स्पष्ट ये है कि जो लोगों ने, वहां जो चश्मदीद गवाह है और एक बड़े चैनल के पत्रकार के, एक बड़े चैनल के कैमरे से उसको दिखाया गया है कि उन पत्रकार, उस स्थानीय लोगों ने जो चश्मदीद गवाह था, उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर से कहा है कि पुलिस की गाड़ी में वो चारों लोग बैठ करके आए थे और उनके गले में पत्रकार की आईडी थी। अब इसके बाद भी चिट्ठी का कोई मतलब मेरी समझ में तो नहीं आता मैडम, कि अब चिट्ठी का कोई चर्चा हो या चिट्ठी का कोई मतलब रह गया हो। ये स्पष्ट है कि सरकार का आतंक है, सरकार का खेल है, अतीक को और अशरफ को निबटवाना था, वो निबट गया। अब चिट्ठी विट्ठी का कोई मतलब नहीं आता है, ये पूरा सरकारी षड्यंत्र जिसके तहत अतीक और अशरफ की हत्या की गई है, ये बहुत क्लियर है। देखिए, वो अपराधी था, इसमें कोई दोराय नहीं, मैं बिल्कुल 100% स्वीकार करता हूँ सर झुका करके, लेकिन जो जघन्य और जो घृणित तरीके से उसकी हत्या की गई है, इसको कदापि सही नहीं ठहराया जा सकता मैम, ये आप अच्छी तरह समझ लीजिए। और ये मैं फिर आमिर जी, जिस तरह से मीडिया के कैमरों में पूरी घटना कैद होती है, तीन हमलावर आते हैं, अचानक से सिर पर गोली रखते हैं और मार देते हैं, तो क्या सब कुछ वैसा है कि इसके पीछे की और भी कोई कहानी है, और भी कोई राज है? भाई, अरे यही तो मैं कह रहा हूँ कि जब कुछ सब कुछ बिल्कुल पानी की तरह, आईने की तरह साफ है, तो आप कोई मतलब नहीं रह जाता चिट्ठी का, किसी जांच का। चर्चा का विषय तो बनी है चिट्ठी, तमाम बातें कही जा रही है, चर्चा का विषय बनी है। देखिए, अभी चर्चाएं जाने क्या क्या होंगी, ये भी आप समझ लीजिए। अभी बहुत यहाँ तक वकील के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि मुख्य न्यायाधीशों को और सीएम तक को ये चिट्ठी भेज दी गई है। हाँ, बिल्कुल भेजी गई होगी, और भेजी गई होगी तो पहुंचेगी भी, लेकिन अभी जैसा हमारे सपा प्रवक्ता कह रहे थे, उसके तमाम एंगल हैं, कहीं खाली निकलेगा, कहीं क्या निकलेगा, क्या इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन सच्चाई पूरे देश ने अपनी नंगी आंखों से देखी है कि किस तरीके से वो पुलिस की गाड़ी में बैठ करके आए और उनको शूट किया और चले गए, बहुत स्पष्ट बात है। इसमें चिट्ठी का, पत्रिका या किसी जांच का या किसी कोई विषय रह नहीं गया है, सब कुछ आईने की तरह साफ है, सरकारी षड्यंत्र है। और योगी जी ने एक बात बहुत क्लियर कर दी है कि अब उत्तर प्रदेश में योगी से बड़ा कोई माफिया नहीं है, इसलिए कि जेल में मुझे मुन्ना बजरंगी की हत्या हो सकती है, विकास दुबे की गाड़ी पलट सकती है, तमाम इनकाउंटर फर्जी हो सकते हैं, तो अतीक और अशरफ की हत्या का क्या मसला रह जाता है? ये वही लोग है मैम कि जिन लोगों ने अपने जवानों की हत्या करा दी सत्ता में बने रहने के लिए, तो अतीक अशरफ की क्या हैसियत रह जाती है, आप बताइए। तो ठीक है विवेक जी, आपने रविंद्र जी को सुना था, उन्होंने कहा कि वो जो माफिया थे तमाम राज खोलने वाले थे, जिसको छुपाने के लिए इन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि ये पॉलिटिकल मर्डर है। देखिए, रविंद्र जी विपक्ष में है जी, और मतलब दोनों लोग उनकी पार्टी के सम्मानित सदस्य रहे हैं, उनकी पीड़ा मैं समझ सकता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आमिर साहब इस तरह का आरोप मुख्यमंत्री के ऊपर लगा रहे हैं, ये उचित है। मुख्यमंत्री ने तत्काल घटना का संज्ञान लिया, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की,
जी। और एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए। ऐसे में सरकार की मंशा पे एक सवाल उठाना ठीक नहीं। आपने सुरेश खन्ना जी का बयान सुना? देखिए वो एक निरपेक्ष रूप में बयान था, अतीत के पाप भी इतना ज्यादा है जी। उनके अंत से किसी को दुख नहीं है। नहीं, एक संवैधानिक पद पर रहते हुए कैबिनेट मंत्री को, संसदीय कार्य मंत्री को ये बयान देना चाहिए था। वो एक अलग विषय है हमेशा। एक एक आतताई, एक दुर्दांत अपराधी के अंत पे अगर किसी को दुख नहीं है तो आप उसको जबरदस्ती दुखी नहीं बना सकते। मुझे नहीं लगता कि आप तो इतने उद्वेलित हो रहे हैं। उसका एक लंबा अपराध का इतिहास रहा है। विवेक जी, तमाम अपराधी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री है जिनके ऊपर 25-25, 26-26 केस है, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? थोड़ा सा मैं ऑनलाइन जुड़ा हुआ हूँ, आप इस तरह चीखे में चिल्लाएंगे तो मेरी बात आ नहीं पाएगी। अरे विवेक भाई, मैं भी ऑनलाइन जुड़ा हुआ हूँ, स्टूडियो में नहीं बैठा हूँ। आमिर जी, आपको भी मौका दूंगी बोलने का, सुन लीजिए विवेक जी को। आपने बोला, मैंने आपको नहीं टोका। विषय ये है, उस दुर्दांत अपराधी का जितना लंबा अपराधिक इतिहास रहा है, कितने मुकदमे तो सत्ता पक्ष के संरक्षण के कारण उसके ऊपर दर्ज नहीं हो पाए। हाई कोर्ट के 10-10 जस्टिस उनका मुकदमा सुनने से विड्रॉ कर चुके हैं और 11वें ने जिनमें सुना उसको जमानत दे दी। ऐसे दुर्दांत अपराधी के मृत्यु का शोक आप टोकर बना रहे हैं, मुझे ये बात समझ से परे है। आपने एक आरोप ये लगाया सत्ता पक्ष में ऐसे लोग बैठे जिनके ऊपर 20-25 मुकदमे हैं। जो लोग बैठे हैं वो लोग अदालत से जमानत पे हैं। और हमारी सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने MP MLA कोर्ट की व्यवस्था की है, इन लोगों के मुकदमे लगातार सुने जा रहे हैं और देर सवेर सबको सजा होती जा रही है। तो ऐसा नहीं है, जो लोग यहाँ बैठे हैं वो भी सजा के दायरे में हैं और जो लोग सजा पाते जा रहे हैं वो लोग निपटते जा रहे हैं। हम तो कूड़ा करकट राजनीतिक क्षेत्र का साफ करने के लिए संकल्पित है, चाहे हमारे घर का कूड़ा हो चाहे सामने वाले घर का कूड़ा हो, वो तो साफ हो ही रहा है। अब अगर कूड़ा साफ हो गया तो आपको इतना दर्द क्यों है? जी ठीक है रविंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगी। रविंद्र जी, इस पूरे मामले पर दो स्वतंत्र याचिकाएं दाखिल की गई हैं। आपकी तरफ से सिर्फ ट्वीट किए गए, क्या आपको नहीं लगता कि मजबूत विपक्ष होने के नाते आपको भी ऐसी मांग करनी चाहिए थी? देखिए, जिस दिन यह घटना घटित हुई है जी, उस दिन मैं रात बजे दो बजे आपके चैनल पे था जी। ये कहिए कि 1 बजे से 3 बजे तक मैं आपके चैनल पे था। मेरी पहली मांग यही थी, इसकी न्यायिक जांच कराई जाए। अभी क्या है, एक SIT बनाई गई है। तो SIT क्या होती है, स्टेट गवर्नमेंट के उसमें सर्वेंट्स होते हैं सारे। SIT एक तटस्थ रिपोर्ट नहीं दे सकती है। दो मामले में आपके अध्यक्ष कहाँ थे? ऐसी तो उनके द्वारा कुछ मांग नहीं की गई, सिर्फ ट्वीट्स किए गए। नहीं देखिये, दो सेट प्रोसीजर है जी। जब अभिरक्षा में, न्यायिक अभिरक्षा में जब भी कोई मौत होती है जी, हम मांग करें या ना करें जी, उनकी सेट गाइडलाइंस हैं। एक NHRC की सेट गाइडलाइन है, अब मैं बोलूंगा तो लंबा हो जाएगा, मुझे सारी गाइडलाइन मालूम है। तो एक सेट गाइडलाइन तो है, लेकिन विपक्ष के नाते आपके पास भी तो पूरा हक है ना कि आप पूरी आवाज अपनी उठा सकते हैं। मेरा, हमारे जितने प्रवक्ता थे, मैंने तो कम से कम 10 लोगों को सुना न्यायिक जांच की मांग करते हुए। आपके अध्यक्ष ने नहीं जांच की मांग जी, आपके अध्यक्ष ने नहीं कहा, मेन एक्शन तो उन्हें ही लेना था ना, आप मांग कर सकते थे विपक्ष के तौर पर। नहीं, अगर हम मांग कर रहे हैं किसी चीज की तो हम समाजवादी पार्टी से अलग नहीं है। अगर सारा हमारा पैनलिस्ट लोग मांग कर रहे हैं तो पार्टी से अलग नहीं है। लेकिन ऐसी मांग की जाए ना सर, जिसको सुनी जाए, अगर अध्यक्ष आपके करते। अगर नहीं भी सुनेंगे ये, मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं जी। बताया ना कि एक मर्डर हुआ था 91 में सिखों का, सिख तीर्थ यात्रियों का। तो SIT बनाई गई, SIT चूंकि पहले मजिस्ट्रियल जांच होती है, तो मजिस्ट्रियल जांच हुई, चूंकि जो मजिस्ट्रेट होते हैं सरकार के नौकर थे, उन्होंने उसको बता दिया कि एनकाउंटर है, सही एनकाउंटर है। फिर उस पर एक SIT बैठी, उसने भी बता दिया ये सही एनकाउंटर है। तो जो विपक्ष था
वो न्यायालय में गए, 500 कर्मियों को सजा मिल गई। ये सेट प्रोसीजर है, इसमें कोई धरना प्रदर्शन नहीं हो सकता है। हमें, हम डिबेट में अपनी बातों को मजबूती से कहते आ रहे हैं, न्यायिक जांच होनी चाहिए। नहीं, न्यायिक 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 जांच अगर ये नहीं कराया गया, हम मांग ही कर सकते, जैसे हम बीबीसी की मांग कर रहे हैं, नहीं मान रहे हैं वो जी। ऐसे ऐसे हम मांग कर सकते हैं, न्यायिक की नहीं मानेंगे अगर उनके उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति चला गया। अब आप बता रही हैं दो याचिकाएं दाखिल हुई है जी। तो याचिका उसी की माननी होगी जो उनसे संबंधित होगा। मैं याचिका दाखिल कर दूं तो सुप्रीम कोर्ट को खारिज कर देगी। सर आवाज तो उठा सकते हैं ना? आवाज रेगुलर उठा रहे मैडम। मैं तीन घंटा रात में बैठ के आपके चैनल पे उठाया, सुबह से लेके आज तक लगातार आवाज उठाई जा रही है। देखिए इसका फायदा भी है, हम कह रहे हैं चलिए हम विपक्ष के रूप में, इसका फायदा सरकार को भी है। मान लिए इसके बाद एक घटना और घटित हो गई, अभी तीन लड़के बंद है ना, अभी उन तीन लड़कों के साथ ऐसी घटना घटित हो गई, तब क्या होगा? तो सरकार का तो मुंह एकदम काला हो जाएगा। तो इसे इसका ये बचना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए एसआईटी में या कोई उनके परिवार का व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट सीबीआई या न्यायिक जांच टीम गठित कर देती है, तो तीनों बच्चों का इंट्रोगेशन होगा, तो तीनों बच्चे सभी बता देंगे। तो बेहतर यही है कि राष्ट्र की एक न्यायिक जांच कमेटी बना देने से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब दिक्कत यह है कि जब हम मान के चल रहे हैं, हो सकता है सही ना हो, लेकिन हम मान के चल रहे हैं सरकार की संलिप्तता है। जितने भी प्रत्यक्षदर्शी हैं सबने कहा कि दो गाड़ियां आई, पहले एक गाड़ी आई उसने सब स्थान खाली करा दिया, दूसरी गाड़ी आई उसमें वो चारों लोग बैठे हुए थे। और अगर आप जो वहां की वीडियोग्राफी आई है अलग अलग जी। अगर आप देखा जाएगा तो कितने ट्रेंड मर्डरर हैं वो। अतीक का मृत्यु श्योर करने के लिए उसकी पगड़ी उतार देते हैं, कैसा ना हो उसकी पगड़ी में गोली उलझ के रह जाए, पगड़ी हटाने के बाद तब गोली मारते हैं। और जिस मारते हैं उस साइड तीन दरोगा खड़े थे, दरोगा जिस साइड में खड़े हुए हैं, अब कोई एयर फायरिंग नहीं हुई तो कैसे वो भाग गए? ये कहता हूँ अगर एयर फायरिंग हुई होती तो वो भाग गए होते, लेकिन जिस साइड में तीन दरोगा खड़े हैं उस साइड में से निकल के कैसे बना दिया सकता है मारने के लिए? और एक ऐसी जगह से मारता है जहां से बचने की कोई अपेक्षा नहीं रहती है, और गिरने के बाद पूरे शरीर को गोलियों से भून डालता है। ठीक है, तो ये मौके वारदात बता रही है कि ये कराया गया मर्डर है। ठीक है, तो इसमें 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 बचेंगे नहीं। अभी 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 आप देख लीजिए, अभी लेटेस्ट में एक घटना घटित हुई है, कहाँ की है मैं भूल रहा हूँ। ठीक है सर, हम चिट्ठी पर रहते हैं, चिट्ठी पर चर्चा करने बैठे हैं। आमिर जी, इस पूरे मामले पर दो दो याचिकाएं दाखिल की गई हैं और एनकाउंटर पर सीबीआई जांच की मांग की गई है। देखिए, अभी हमारे भाजपा प्रवक्ता कह रहे थे कि दुर्दांत अपराधी है अतिथा, हमें इसकी तकलीफ कतई नहीं। और मैंने पहले भी कहा था कि मैं 100% सर झुका के स्वीकार करता हूं कि वो अपराधी था, बड़ा अपराधी था, छोटा मोटा अपराधी नहीं था। लेकिन मैडम, जो जिस तरीके से ये हत्या कराई गई है या इनकाउंटर कराया गया है, ये कहाँ का न्याय है? इसका मतलब यह कि अब अदालतों को बंद कर देना चाहिए और अब सरकार को ही सारे निर्णय लेना चाहिए। अदालतों का मतलब क्या रह गया है? जब वो आदमी पुलिस कस्टडी में था, जेल में था, और जेल के बाद उसके ऊपर मुकदमे चल रहे थे, बराबर तारीखें पड़ रही, तो इस तरीके की घटना का क्या मतलब है? तो इसका इन्वेस्टिगेशन मतलब अब हो ही रही है, वो तो वक्त आने पर साफ हो जाएगा। कोई मतलब नहीं है इसका। देखिए, आप फिर समझ लीजिए, सीबीआई ईडी तमाम ये विपक्ष के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और ये सिर्फ एक सहारा है, सिर्फ आवाम के गुस्से को ठंडा करने का। एक बात फिर समझ लीजिए, वो अपराधी था, मैं इससे कदापि इनकार नहीं करता, मैं स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन जो इस तरीके से उसकी हत्या कराई गई या एनकाउंटर कराया गया, इसको भी मैं सही नहीं ठहराया जा सकता। मैं क्या कोई भी आदमी जिसके अंदर तिल बराबर भी नैतिकता है, वो इसको कतई सही नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है, आखिरी सवाल मेरा विवेक जी से है। विवेक जी, आप आमिर जी को सुन रहे थे, तमाम आरोप लगा रहे हैं वो कि ये जो भी हत्याकांड करवाया गया वो सरकार के द्वारा कराया गया है, ईडी सीबीआई सब विपक्ष के लिए काम करती है।
देखिए आमिर जी, पत्रकार होते हुए इस तरह की बात कर रहे हैं, इससे मुझे स्पष्ट होता है कि उनकी निष्ठा जो है वो हिली हुई है। पत्रकारिता उनकी निष्पक्ष नहीं है। नहीं कतई आपको लग रहा है ना, इसलिए लग रहा है आपको कि हम सरकार के विरोध में बोल रहे हैं। अगर अभी हम आप सरकार की चापलूसी कर रहे होते तो हम पत्रकार हो जाते, हो निष्पक्ष पत्रकार होते। सच तो यही है कि यही निष्पक्ष पत्रकारिता जो मैं कह रहा हूँ। विवेक जी आपको हो सकता खराब लग रहा हो, लेकिन सच्चाई ये है कि सरकार के षड्यंत्र के तहत अति को अशरफ मारा गया। आपने बोला मैंने टोका नहीं, सुन लीजिए बुरी बात सुन लीजिए। जो लोग मारे गए हैं वो न्यायपालिका का बहुत सम्मान करने वाले लोग थे, 100 से ज्यादा मुकदमे उनके ऊपर दर्ज थे। किसी मुकदमे में उनके खिलाफ गवाही अदालत तक नहीं पहुंच पाती थी, अगर कोई अदालत चला जाता था तो उसको पकड़ के उठा लाते थे और मारपीट करके उसका हलफनामा लगवा देते थे। वो इतना अदालत का सम्मान करते थे कि 10 से ज्यादा जज उनका मुकदमा सुनने से अपने आप को विड्रा कर चुके थे हाईकोर्ट के। इतने न्यायप्रिय थे वो दोनों लोग, इतने कानून के भक्त थे, इतने बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान को मानने वाले थे कि संविधान के साथ हमेशा वो सर पे रख के चलते थे। अब तो प्रसन्न हो गए अब आप तो। ऐसे में उनका जो हस्त्र किया है लोगों ने, उनके हस्त्र से किसी को एतराज नहीं है, कोई दुखी नहीं है। हाँ, जो घटना घटी है उसकी आगे जांच होने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जी। ये तो वक्त बताएगा क्या कुछ सामने आता है। ठीक है, आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। पर अब सियासत भी गर्माती हुई नजर आ रही है। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद जो सबसे चर्चा का विषय बनी हुई है वो लिफाफा है। बता दें कि खबर दोपहर में अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।